नमस्ते जी, कैसे हो सब आप? आज मैं लेकर आया हूँ मोहाली की आपको एसी गेटेड टाउनशिप में, जिसमें आपको प्लॉटिंग मिल जाएगी 110 गज की। इसमें हमारे रेडी टू मूव में इंडिपेंडेंट हाउस बने हुए हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने गेट नंबर एक है सोसाइटी के, तीन गेटेड हैं, थ्री गेटेड टाउनशिप है, ये थ्री गेट्स हैं सोसाइटी के। गेट नंबर एक पे ये इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं जो ईस्ट फेसिंग एंड वेस्ट फेसिंग में हैं, जो सारे सेल आउट हो चुके हैं। ये प्लॉट की वीडियो रहेगी, आपने वीडियो के लास्ट तक जाना। अगर आप प्लॉट सर्च कर रहे हो तो उसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। गेट नंबर एक पे यहाँ पे हमारी ये गेटेड टाउनशिप है, लास्ट में बाउंड्री आ जाएगी। गेट नंबर टू एंड थ्री पे फ्लैट्स हैं, आगे 36 शॉप्स रहेंगी। आप रोड की कंडीशन देख सकते हो, जो हमारे प्लॉट्स हैं इनके सामने आप रोड की कंडीशन देख सकते हो। एल शेप में यहाँ पे आपको प्रॉपर एल शेप में पार्क मिलेगा। ये टावर अपनी बाउंड्री से बिल्कुल बाहर रहेगा, 8 फिट की बाउंड्री हुई हुई है विद ग्रिल। ईस्ट फेसिंग प्लॉटिंग रहेगी यहाँ पे 110 गज की। ये जो इनका सुपर एरिया रहेगा वो 22x45 है, जो कवर्ड एरिया रहेगा इसका वो 22x45 रहेगा। इसमें आपको प्लॉटिंग मिल जाएगी, कॉर्नर भी मिल जाएंगे, नॉन कॉर्नर भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे प्लॉटिंग अवेलेबल रहेगी। और जो हमारा इसका स्टार्टिंग प्राइस रहेगा 54,900 पर गज रहेगा, 54,900 रुपये पर गज रहेगा। और अभी हमारा दिवाली डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, अभी जो त्यौहार चल रहे हैं उनके चक्कर में, हमने दशहरा तो अभी निकल चुका है, तो दिवाली का एमडी सर ने डिस्काउंट लगा रखा है 49,900 पर गज आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाएंगे। और ये पार्क फेसिंग प्लॉट रहेंगे प्रॉपरली, और ईस्ट फेसिंग रहेंगे। इधर हमारी वेस्ट फेसिंग इंडिपेंडेंट हाउस है, यहाँ पे हमारे ईस्ट फेसिंग इंडिपेंडेंट हाउस है, जो इनका प्राइस रहने वाला था जो हमने सेल आउट किए हैं। आज की डेट में ये 1,15,00,000 रुपए के होते अगर आज इनकी अवेलेबिलिटी होती। इनको सेल आउट हुए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 मंथ ही हुए हैं। तो ईस्ट फेसिंग हमने 94,90 में बेची है और वेस्ट फेसिंग हमने 89,90,000 में बेची है जी। आप एक चीज़ सोसाइटी के बारे में मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। जो सबसे मेन चीज़ है, जो ध्यान देने वाली चीज़ है, कि यहाँ पे सोसाइटी पे जो हमारे ये इंडिपेंडेंट हाउस हैं, इन पे आपको फ्रंट एलिवेशन के सामने, जो फ्रंट एलिवेशन है विलास का, उसके सामने आपको इलेक्ट्रिकल पोल वगैरह नहीं दिखेंगे। टोटली अंडरग्राउंड वायरिंग है, रेन वाटर, स्टोन वाटर, सीवरेज सारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ अटैच है। बीच में इलेक्ट्रिकल होती है जो बाहर कॉरपोरेशन के साथ अटैच रहेगी प्रॉपरली। इनकी आप लुक देख सकते हो, कहीं पे भी इसकी पोजेशन दिए हुए कम से कम भी 1 साल हो चुका है, कहीं पे भी आपको सलाबा वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। इधर भी कम से कम 6th मंथ हो चुके हैं पोजेशन दिए हुए इनको, और जो लास्ट अभी विला बिके थे जो 3 मंथ ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो गेटेड टाउनशिप का सिस्टम क्या रहता है कि जो प्रॉपर गेटेड होती है वो 1 गेटेड होती है। यहाँ पे गेट नंबर एक पे एंटर करना है और इसी से बाहर निकल जाना आपने। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में बाउंड्री वॉल रहेगा, ऐसे नहीं है कि इधर से आप एंटर हो गए वहाँ से निकल गए हो। यहाँ पे 21 विलास बनाए थे हमने, जैसे मैंने आपको बताया 5 प्लॉटों की अवेलेबिलिटी है। वो हमने प्लॉट इसलिए हम सेल आउट कर रहे हैं। सिस्टम क्या है कि यहाँ पे जो हमारे एमडी सर अभी इंडिपेंडेंट हाउस बना रहे थे, वो जो निकल के आ रहा था वो आ रहा था 1,19,19,000 में, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके हमने बेचने थे। तो आपको पता है अब एयरपोर्ट रोड मोहाली पे हर चीज़ 1 CR क्रॉस हो चुकी है प्रॉपरली। तो यहाँ पे बिल्डर की अपनी टाउनशिप थी हमारी और खुद ही कॉलोनी काट के हमने सेल आउट किया है इसको। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो प्लॉटिंग का लेकर आए हैं, जो कंस्ट्रक्शन हमारी अगर 10-20 प्लॉटों की होती तो बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर लेता है, तो थोड़ी है। तो यहाँ पे आपको ये प्लॉटिंग जो मिल जाएगी 110 गज, यहाँ पे हमने लोगों को स्पेनिश विला बना के दिए हैं, जहाँ पे 4 बेडरूम, 4 अटैच वॉशरूम, 2 ड्राइंग रूम, 2 मॉलर किचन रहेगी। टॉप फ्लोर पे मॉन्टी है जिसको आप स्टोरेज कर सकते हो। यहाँ पे हमने 3 BHK सेट नहीं बनाया, जैसा ग्राउंड का सेट था एज इट इज ही हमारा फर्स्ट फ्लोर रहा है। प्लॉटिंग बैक साइड पे हाउसेस मिल जाएंगे जो हमने 3 मंजिल बना के बेचे हुए हैं, और बैक बालकनी टू बालकनी स्पेस बहुत है। मैं आपको एक बार विला का भी राउंड करा दूंगा कि आपको 22x45 के कंसेप्ट में पता चल जाए कि हमने बना कैसा दिया। विला में एंटर करने से पहले जो एल शेप में पार्क है जो इन प्लॉटिंग के सामने रहेगा, ये 5 प्लॉट है जी,
ये सेल आउट है, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। बालकनी टू बालकनी स्पेस है, ईस्ट फेसिंग का रहेगा जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। यहाँ पे पार्क में आप अपने घर का कोई भी फंक्शन कर सकते हो, कोई जगराता वगैरह कुछ भी, रिसेप्शन टाइप भी कर सकते हो। यहाँ पे आप टेंट लगा सकते हो अच्छे से। यहाँ पे आप एल शेप में पार्क है, यहाँ पे हमने वो हमारा हुआ है वहाँ पे बोर, और ये पूरी बाउंड्री की गई है पूरी, यहाँ पे भी बोर रहेगा। और जो सबसे मेन चीज़ रहती है जो मैं एक बतानी चाहता हूँ आपको कि गेटर टाउनशिप पे एयरपोर्ट रोड मोहाली पे बहुत ज़्यादा कम है। ये सेक्टर 125 का एरिया पड़ जाता है, जलवायु टावर के पास हमारा ये गेटर सोसाइटी रहेगी। विला में भी एंटर कराता हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको 22.5x45 के कंसेप्ट में। प्राइस का मैंने आपको बता ही दिया है क्या प्राइजेज रहेंगे। और कल को अगर आपके घर पे, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपका फंक्शन है अंदर, तभी हमने गेट नहीं लगाया, अगर एक्स्ट्रा कार भी हो जाती है तो आप जितनी मर्जी पार्क कर सकते हो एल शेप में यहाँ पे। जैसे इसके साथ साथ जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे अच्छी स्पेस रहेगी, तो यहाँ पे भी आप कम से कम भी 10 गाड़ियाँ लगा सकते हो आराम से। विला के सामने भी दो दो गाड़ी लगा सकते हो, फ्रंट इसका 22.5 है तो आराम से लग जाएगी। जैसे गेट नंबर 1, 2, 3, ये तो गेटर टाउनशिप के बारे में मैं अभी बोल रहा हूँ कि हमारी ये गेट नंबर 1 विला की सोसाइटी, गेट नंबर 2 ये फ्लैट्स की सोसाइटी, गेट नंबर 3 भी फ्लैट्स की सोसाइटी है। तो आगे 36 शॉप्स हैं 10x27 की, 10x15 की पार्किंग दी गई है, 10x15 की पार्किंग है, 36 है हमारे पास, आप खड़ी कर सकते हो बाहर। अभी विला के अंदर चलते हैं, विला का थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ हमने बनाया क्या क्या था। और ये भी अगर आप कॉपी करना चाहते हो, एक यहाँ पे सिस्टम रहेगा कि अगर आपने हमारे पास इंडिपेंडेंट हाउस यहाँ इंडिपेंडेंट प्लॉट्स लेना है तो आपको फ्रंट एलिवेशन लगभग ऐसा ही रखना पड़ेगा। लेआउट को आप चेंज कर सकते हो, पर लेआउट भी हमने इतना शानदार बना रखा है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। एक बार मैं विला दिखा देता हूँ आपको अंदर से, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर कि 22x45 के कंसेप्ट में कैसा बना हुआ है। हमने इस पे काम इतना अच्छा कराया, एमडी सर ने इतना अच्छा काम करवा के दिया था। स्टार्टिंग में ये आपको पॉलिश के यहाँ पे डोर्स मिल जाते हैं जिनके ऊपर हमने टीक के ऊपर पॉलिश कर रखी है, गोदरेज के हमने लॉक दिए हुए थे सबको। यहाँ पे आपको स्पेशियस यहाँ पे मिल जाता है ड्राइंग रूम का एरिया। बहुत स्पेशियस यहाँ पे ड्राइंग रूम का एरिया मिल जाता है, ऐसा आप बना सकते हो। प्रोफाइल लाइट भी दी थी हमने, फॉल सीलिंग बहुत अच्छी कराई थी, डिजाइनिंग दी थी सामने। यहाँ पे आपको एल शेप में मॉडुलर किचन मिल जाती है, पैनल मिल जाता है वुड का जिसके बीच में ग्लास है। यहाँ पे भी हमने पॉलिश का काम कर रखा है, इस पे हमने सारा माइका का काम किया हुआ है। बहुत अच्छे इंडिपेंडेंट हाउस बनाए थे, तभी तो इतने जल्दी बिक चुके हैं ये। अभी ये भी विला हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सेल आउट है, अभी पोजेशन नहीं ली कस्टमर ने हमारे से इसकी। यहाँ पे आप देखो जितनी यहाँ पे डोर्स और विंडोज एंड ये चौगाठे हैं, ये सारी पॉलिश की गई है, इस पे सारी सुडान टीक की रहेगी। इतनी स्पेस बचती है 22x45 में। जैसा ग्राउंड का सेट है ना, सेम एज इट इज हमने फर्स्ट फ्लोर बनाया था, आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। बहुत अच्छा लेआउट है, बैक पैनलिंग दी गई है, कबर्ड्स दिए गए थे यहाँ पे, सामने हमने पैनलिंग दी थी यहाँ पे, और ग्रुप वाली टीक प्लाई है उसके ऊपर टीको किया था, यहाँ पे भी टीको, यहाँ पे डिजाइनिंग दी गई है। यहाँ पे भी आपको ग्लास मिल जाएगा, 2x4 की वॉल टाइल मिल जाएगी, जैगुआर की यहाँ पे आपको बाथ फिटिंग मिल जाएगी। ये सेकंड बेडरूम है, एज इट इज ही फर्स्ट फ्लोर है, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी स्पेस है। जैसे मर्जी साइज का बेड रख लो, बहुत अच्छी स्पेस रहेगी। एलसीडी पैनल और उसके बीच में एलईडी पैनल देखो आप कितना बढ़िया दिया गया। यहाँ पे 2x4 की वॉल टाइल उधर क्रीमी एंड डार्क कॉम्बिनेशन में थी, यहाँ पे ग्रे एंड व्हाइट में है, व्हाइट में भी थोड़ा सा टेक्चर वाला है। और सारी जैगुआर की यहाँ पे बाथ फिटिंग, जैगुआर की सीटें, वॉल हैंगिंग सीटें, शेंक यहाँ पे जो दी गई है, क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन। ये था हमारा इसका लेआउट 22x45 का। आप यहाँ पे प्लॉट लो, आपको अभी एक्चुअली है क्या, मैं एक बार बालकनी दिखाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ सिस्टम। ये बालकनी टू बालकनी स्पेस बहुत है, पीछे
कस्टमर ने खुद का लगवाया है वो ऊपर ना, ये सारा उन्होंने जाल खुद का लगवाया था। यहाँ पे तो बालकनी स्पेस थी, पर ठीक है, बढ़िया है। वेंटिलेशन बैक साइड है, ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर की वेंटिलेशन निकली हुई है पीछे से। मैंने आपको एक चीज क्लियर करनी है, जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप आज के टाइम में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, चाहे वो खरड़ जो हमारे से 8 किलोमीटर बैक साइड पे है, चाहे उसकी बात कर लें, चाहे मैं बात कर लूँ इसकी एयरपोर्ट रोड मोहाली की, क्योंकि यहाँ पे औरों की क्या बात करनी है। हमारे पास ही जो प्राइस रहेंगे इंडिपेंडेंट हाउस के, वो 1 करोड़ 15 लाख रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए से स्टार्टिंग है। यहाँ की बात नहीं कर रहा, और हम बहुत सारी साइटें हैं एयरपोर्ट रोड पे। हमारी जो बजट अभी भी लोग लेके चल रहे हैं एयरपोर्ट रोड मोहाली का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 85 है, 80-85, 90 भी किसी का नहीं है। क्योंकि मैं तो रोज़ का हमारा वर्किंग है, हम इसी काम, यही हमारी फील्ड है, यही हमारा काम है, बिल्डर की टाउनशिपों पे वर्किंग है हम लोग। तो आपको 12 तब खाएगा 80-75-80 लाख रुपए में, जब आप खुद का बनाओगे। ऐसा आप ग्राउंड फ्लोर बना सकते हो, फर्स्ट फ्लोर पे इस हॉल को आप 1 BHK बना सकते हो ऊपर। फर्स्ट फ्लोर को, हॉल को 1 BHK, आप ये मॉडलर किचन भी फर्स्ट फ्लोर पे एज इट इज नीचे रख सकते हो। ये मान लो आप ये फर्स्ट फ्लोर का एरिया अगर आप 1.5 मंजिल डेवलप कर लेते हो, पीछे खुला छोड़ देते हो, तो बाद भी जब ये आपका बजट बनता है तो बाद में भी कभी भी आप बना सकते हो। यहाँ पे अटैच वॉशरूम के साथ एक बहुत बड़ा हॉल आपका बेडरूम बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे 80-85 के करीब आपको यहाँ पे आप इसको कर सकते हो, मतलब आपके बजट में आ जाएगी चीज। ऐसा 4 BHK में बनाओगे तो, अगर आप 3 BHK बनाओगे तो आपका जो बजट रहेगा वो 75 और 80 के बीच में रहेगा। 4 BHK बना लेते हो तो 80 से 85 के बीच में रहेगा। तो ये चीज़ आ जाती है कि आप प्लॉट, आज के टाइम में प्लॉट की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, अगर आप कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। बाकी मेरी तरफ से गुड विशेज है, ज़्यादा से सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी रहेगी जब मर्जी हो विजिट करने के लिए। तो एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी है। आप प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट करो, प्राइस में थोड़ा बहुत कम कर देंगे, और जो नक्शे के अलग रहेंगे, हमने 2 मंजिल के पास करवा लिए हैं, जो सरकारी रेट, जो सरकारी नक्शे का खर्चा आया हुआ है वो आपसे ही लेंगे हम लोग। नक्शे के आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। प्लॉटिंग का जो रेट है 54,900 रुपये पर गज है, पर यहाँ पे अभी 49,900 पर गज में दे रहे हैं। बहुत बढ़िया साइट है, 35 फिट रोड है, बढ़िया गेटर टाउनशिप है। एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी रहेगी जब मर्जी हो विजिट करने के लिए।